A very good morning, student. This is Srikant and our class 9 political science chapter 2, the constitutional design continue. Students, previous classes we have taught about the background of Indian constitution and the path of Indian constitution and how the constitution maker run the path of constitution and make very large constitution and nice constitution of the world. Okay, and student, today we will discuss about the constituent assembly. Okay, and new words here, the constituent assembly, students. And question regarding this topic is what was constituent assembly and what he did. Okay, उसने क्या किया, तो मतलब उसने क्या किया, उन्होंने संविधान बनाया, कैसे बनाया, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द ड्राफ्टिंग ऑफ यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है बेटा, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन बाई असेंबली, डन बाई असेंबली, ओके, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यानी कि ये जो संविधान, जो आज हम लोग बेटा संविधान देखते हैं, उसको बनाने में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, और वो कौन थे, दे वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और आपके यहाँ पर दिमाग में चल रहा होगा, सर दैट टाइम्स व्हाट बिफोर ऑफ 1947 एंड देयर इज अ एग्जिट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, नो. And that time, and the British government give us a right leniency to the provincial council. Okay, जैसे हमारी जो है, but आज के date में जो state government है, उस समय जो है क्या था, provincial government. Okay, and the members of the provincial government, okay, they elect to the constituent assembly members. उन्होंने जो है constituent assembly को member को elect किया था. Students, I hope it's clear, the drafting of the constitution done by an assembly, okay, and of the elective representatives, okay, called the constituent assembly. And the election of a constitution, okay, constituent assembly, the election of the constituent assembly where, okay, yani ki jo elected representative beta, unka jo election kab hota hai, held in July 1946, ye aapko dhyan rakhna hai, the election of the constituent assembly, yani ki sab maine aapko bataya, provincial council ke jo members the, unhone elect kiya, and the election constituent assembly were held in July 1946. जुलाई 1946, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनको संविधान बनाना था, उनका इलेक्शन कब हुआ था बेटा, इन द जुलाई 1946, एंड द इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. ये दो डेट आपको याद रखना, यानी कि जो इनको संविधान बनाना था, उनको जो उनका इलेक्शन कब हुआ, जुलाई 1946, ओके, जब यानी कि जब वो सेलेक्ट हो गए, ओके, जब वो सेलेक्ट हो गए, तो उनका जो पहला मीटिंग है, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द दिसंबर 1946, एंड दैट टाइम, मतलब यानी कि जब यहां पर एक बेटा मीटिंग जब हो गया, एंड देयर आर दैट टाइम देयर आर टोटल 389 मेंबर्स. ओके, एट दैट टाइम आवर इंडिया नॉट पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब वहां पर पार्टीशन नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, एंड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, डिक्लेयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ओके, एंड ऑल द इलेक्टिव मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, दे सेलेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट, मतलब यानी कि इस असेंबली का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, एंड स्टूडेंट, सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड, यानी कि जब 1946 में तो हमारा देश जो बेटा डिवाइड नहीं था, आप जानते हो इसको, याद चीजों को याद रखना है आपको. ओके, एंड द सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू पाकिस्तान एंड इंडिया. ओके, एंड मैंने आपको क्या कहा, मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, तो उसमें जो है दोनों, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के अप्रॉक्स 389, मतलब करेक्ट 389 मेंबर्स. ओके,
एंड बट द सून द कंट्री वाज डिवाइडेड पाकिस्तान इन इंडिया एंड देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 329 मेंबर वो भी क्या होते हैं बेटा, डिवाइड हो जाते हैं। पाकिस्तान के जो मेंबर हैं वो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नहीं, ओके। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर, ओके। आपको ये ध्यान रखना है, जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा उनको टोटल कितने मेंबर थे, दे आर टोटल 299 मेंबर्स, ओके। और बाकी जो है बेटा रिमेनिंग जो है वो पाकिस्तान चले गए, उस समय तो 389 थे, डिवाइडेशन की बात हमारे इंडिया में कितने मेंबर बसते हैं 299, ओके। बाकी जो रिमेनिंग है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। एंड स्टूडेंट्स एंड आफ्टर मेनी डिबेट एंड डिस्कशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट मेक प्रिपेयर वन आर टू आर थ्री आर वन वीक आर वन मंथ, ओके। एंड आफ्टर मेनी डिबेट एंड डिस्कशन, ओके, डिस्कशन द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि मतलब बहुत लंबे डिस्कशन और डिबेट के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेक प्रिपेयर कब बनता बेटा, मेक प्रिपेयर मतलब 26 नवंबर, ओके, को बन करके तैयार हो जाता, ओके। एंड इट केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, मेक प्रिपेयर 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स इन द 26 जनवरी 1950, ओके। एंड दिस डेज वी सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे, हम लोग इस दिन जो है रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एंड वाई स्टूडेंट आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमारा जब संविधान है 26 नवंबर को बनकर के प्रिपेयर हो गया था तो उस दिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, केम इनटू फोर्स क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंस, ओके, सिग्निफिकेंस इसका जो है अपना एक महत्व है, बिकॉज ऑफ दिस डे 26 जनवरी 1930, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, 30 डिक्लेयर एज अ पूर्ण स्वराज, यानी कि पूर्ण स्वराज को उन्होंने जो है मतलब डिक्लेयर किया था, ओके, लेकिन उस समय हमें आज़ादी मिल नहीं पाई थी, पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाया था। एंड टू द हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर डिसाइडेड टू केम इनटू फोर्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 26 जनवरी 1950, ओके स्टूडेंट। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आई होप एवरी स्टूडेंट अंडरस्टूड, थैंक यू।